नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। रात में हमने बकावा में विश्राम किया। रात में बड़ी देर तक हम मैया के तट पर बैठे रहे, मैया के किनारे बैठे रहे, मैया के पास बैठे रहे और मैया को निहारते रहे। मैया हमें कहानियां सुनाने लगी। बड़े भाव विभोर होकर उन कहानियों का श्रवण कर रहे थे। मैया की जो धारा बहती है, आप अगर आपके दिल के कान लगाकर सुनो तो आपको एहसास होगा कि मैया आपको कहानियां सुना रही है। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन आखिर में मैया ने कहा कि आप जाइए, विश्राम करिए, सुबह आपको लौटना भी है। अनबुझे मन से पीछे पलट पलट कर देखते हुए, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। बार बार यही लग रहा था कि कल हम मैया से दूर चले जाएंगे। मैया के प्रवाह का आवाज सुनाई दे रहा था, मानो लग रहा था कि माँ लोरिया सुना रही हो, और उन लोरियों को सुनते सुनते पता नहीं चला कि कब आंख लग गई। सुबह नींद खुली तो हम फिर चल पड़े मैया से मिलने। अब हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ नर्मदा मैया के भक्ति के महक की साक्ष्य देते हुए महक और साक्षी हमारे साथ थी। राम केवट हमारे साथ थे, सावरिया हमारे साथ थे। सामने मैया है। आप मैया के तट पर किसी भी समय पर जाइए, आपको मैया का एक अलग रूप दिखाई देता है। शाम में मैया का रूप निराला था और सुबह मैया का रूप बिल्कुल ही अलग लग रहा था। मैया ने बाहें पसार कर हमारा स्वागत किया। इस बकावा गांव से कुछ ही दूरी पर गंगा ओटला नाम का एक स्थान है, जहां पर गंगा माँ नर्मदा मैया से मिलने आती है। इसकी भी एक बहुत सुंदर रोचक कथा है कि जब भगीरथ हिमालय में तपस्या कर रहे थे, गंगा माँ को अनुरोध कर रहे थे कि साथ में चलिए और मेरे पूर्वजों का उद्धार करिए, तब गंगा मैया ने उनकी विनती को स्वीकार किया। गंगा मैया ने भगीरथ को कहा कि आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ, लेकिन पीछे पलट कर देखना मत। भगीरथ आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा माँ चल रही है, और कुछ दूर जाने के बाद भगीरथ को गंगा माँ का आवाज नहीं आया, तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो गंगा माँ उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी। उस समय गंगा माँ नर्मदा मैया से मिलने आई थी। तब भगीरथ को लगा कि मेरी तपश्चर्या विफल हुई और वह आत्मघात करने के लिए निकल पड़े, अपनी जान देने के लिए निकल पड़े। तब नारद जी ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप इस प्रकार का कदम मत उठाइए, गंगा माँ नर्मदा मैया से मिलने गई है और थोड़ी देर में आपके साथ आ जाएगी। और हुआ वही कि गंगा माँ थोड़ी देर में भगीरथ जी के साथ उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए आ गई। यह सुंदर कथा हमारे पुराणों में है। और बकावा से बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर वह स्थान है गंगा ओटला, जहाँ पर गंगा माँ नर्मदा मैया से मिलने आती है। इस स्थान पर नर्मदा मैया गंगा माँ से मिलकर कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए पश्चिम से पूर्व वाहिनी हो जाती है और दोनों मिलकर अपने ईश्वर की, शिव की, भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और तब दो लाइनें मुझे याद आई कि तू गंगा सी बहती धारा, मैं नर्मदा मैया का किनारा। कि तू गंगा सी बहती धारा, मैं नर्मदा मैया का किनारा। तू मेरे महादेव की दुलारी, मैं अपने महादेव की पुजारी। कि तू मेरे महादेव की दुलारी, मैं अपने महादेव की पुजारी। नर्मदा मैया के दोनों तटों पर कई रहस्य बिखरे पड़े हैं, कई रहस्य छुपे पड़े हैं। आइए मैं आज एक रहस्य के बारे में आपको बताता हूँ। यह रहस्य इससे पहले कई टीवी सीरियलों में भी आ चुका है। हम उस स्थान पर पहुंचे कि जहां पर वह रहस्यमयी घटना घटित हो चुकी थी। पवन कुमार नाम का एक बालक नर्मदा मैया में नहाने के लिए गया। उसे तैरना नहीं आता था और वह डूब गया। गांव वालों ने मिलकर उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। आखिर में गांव वालों ने मिलकर जिस स्थान पर पवन कुमार डूब गया था, उस स्थान से एक
शिवलिंग के बाहर निकाला और यह जो स्थान है इस स्थान पर उसकी स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद कुछ समय बीता और एक बार नर्मदा भैया में बहुत भारी बाढ़ आई। उस बाढ़ में यह जो शिवलिंग था जिसकी स्थापना की गई थी वह भी पानी में डूब गया। कुछ दिनों तक वो बाढ़ रही और फिर धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरता चला गया। नर्मदा माई ने अपने आंचल को समेट लिया और फिर वह रहस्य हुआ, वह चमत्कार हुआ, उस शिवलिंग पर मानव चेहरा उभर कर आया। ये देखिए कि उस शिवलिंग पर मानव चेहरा आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। दिन पर दिन अभी भी वह चेहरा और ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है। और तब सबने कहा कि पवन कुमार को माँ ने अपने गोद में शरण दे दी है। इस प्रकार के कई राज, कई रहस्य माँ अपने तटों पर समाये बैठी है। कई बार हम सुनते हैं कि यहाँ पर सिद्ध योगियों ने, सिद्ध पुरुषों ने लाखों वर्षों से तपस्या की है। जब यह रहस्य हम देखते हैं तो सच में यह लगता है कि ये बात सच है। बहुत सुंदर स्थान। माँ गंगा पाप धोती है, माँ नर्मदा विकार धोती है। और सही में माँ विकार धोती है। देखिए यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों को विश्राम के लिए ये बनाया हुआ है, यह मंदिर बना हुआ है। और ये बकावा गांव बहुत ज्यादा बढ़िया गांव है, बहुत सुंदर यहाँ के निवास स्थान है, आश्रम बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आपका नाम क्या? राम केवट। राम केवट, देखिये राम केवट मेरे साथ में है। आपका नाम? सावरिया। नहीं, महक केवट। महक केवट, तो ये सब लोग हैं और बहुत हम लोगों को साथ साथ में ही है। बिल्कुल पूरी तरह बहुत अच्छा होता है, ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में हैं, अपने घर में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये देखिए माँ रेवा अन्न छत्र सेवा समिति बकावा, ये सीताराम धाम है। और इस तरीके से बहुत सुंदर स्थान। सभी परिक्रमा वासियों से निवेदन है कि बकावा जरूर आइए। चलो बेटा अपन चलते ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये शिवलिंग है। तेरा फोटो ले लेता हूँ उसके साथ। आ जाओ। ये बकावा गांव की खासियत है, ये देखो पूरा कंप्लीट होम है। दो दो है ये और ये दो होम बना हुआ पूरा। चंद्रबिंदु ये चंद्रबिंदु। हाँ देखो लिया इसमें बीच में अनंत में ओम। पर ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर चंद्रमा है। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी ना, कितनी होगी? कान से पचास समय में मिलती ही नहीं। 50,000 रूपए, 51,000 सही में ना। देखो कितना बढ़िया है एकदम, बिल्कुल चंद्रमा बना हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बना हुआ है, लेकिन पूरा कुदरती है। ये जने हुई क्लियर हूँ मैं। ये थोड़ा
यहाँ पर यही एक खासियत है कि इस प्रकार के यहाँ पर शिवलिंग बनाए जाते हैं। देखिए तिलक है, ये भोलेनाथ, इस प्रकार की एक सब ये विशेषता है यहाँ पर भोलेनाथ। ये देखिए यहाँ पर भी इस हाँ। अब देखिए ये पूरा शिवलिंग जो है ये सफेद है और ऊपर में सब ये देखो ये इसमें दोनों आँख आ गई। हाँ क्लियर आँख ये इस प्रकार की सही में अद्भुत है, ये प्राकृतिक है सब पूरा। ये नहीं कुछ बनावट, ये कौन से देखो ये दोनों आँख दोनों आँख। ये आपको हर टाइप के शिवलिंग यहाँ मिलेंगे। और इस शिवलिंग आर्ट का नाम क्या है? तुलसीराम शिवलिंग आर्ट्स यहाँ पर है बकावा में। और यहाँ आप जरूर आइए, यहाँ पर आपको जैसे चाहिए वैसे शिवलिंग यहाँ मिल जाएंगे। आपके घर पे स्थापना करना हो या आपके मंदिर में अगर स्थापना करना हो तो आपको जिस प्रकार का शिवलिंग चाहिए वहाँ यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मेरे साथ में राम है, उनका बेटा है, इनका नाम है राम केवट। और बेटा आपका मोबाइल नंबर बताओ। 98266 63 ये इनका नंबर है बकावा के अंदर। आपका नाम? विकास केवट। वो भी भाई है, ये सब भाई है। और यहाँ पर देखिए आपको जैसे चाहिए वैसे शिवलिंग मिल जाएंगे। मैया हमारे साथ में है, यहाँ पर मैया बहुत ज्यादा सेवा करती है। यहाँ पर आप बकावा में आने के बाद में आप किसी को भी पूछिए तुलसीराम शिवलिंग आर्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा बिजनेस या प्रोफेशनल टाइप नहीं है, तो पूरा घर के हिसाब से आपको यहाँ पर पूरी ट्रीटमेंट होती है। और आपको जैसे चाहिए वैसा शुभ शिवलिंग आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है वो आपको तुलसीराम शिवलिंग आर्ट में जरूर मिलेगा, आप जरूर यहाँ से लीजिए। ये भी मैं उसी में डालूंगा, इसीलिए मैं नंबर आप अलग भी डालोगे तो कोई बात नहीं, मतलब कि लोगों को मालूम पड़ जाएगा। ये गणेश जी भगवान क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, स्टोन वगैरह सब पूरा। और यहाँ पाल ऐसा खड़ा खड़ो करने, हाँ ये सोड़ है इसकी, ये सोड़ और कान सब गणेश जी भगवान। इस प्रकार के शिवलिंग यहाँ पर बहुत मिलते हैं।